हेलो गाइस, दिस इज रितु एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम CCS यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे और इसी के साथ साथ आप लोगों के बीएड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरीज है, उनके भी बारे में बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो को फुल और लास्ट तक जरूर देखिएगा, आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आप लोगों को इसी तरीके से CCS यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलिए फिर आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। गाइस, एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड है। बीपीएड के फर्स्ट और सेकंड ईयर के एग्जाम फॉर्म जारी हो चुके हैं और ये एग्जाम फॉर्म मेन, एक्स, बैक, इम्प्रूवमेंट सारी तरीके के एग्जाम के लिए जारी हुए हैं। और ये एग्जाम फॉर्म आप लोगों के ऑनलाइन फिल होना स्टार्ट होंगे 30 अप्रैल से। लास्ट डेट इसकी ऑनलाइन फिल करने के लिए 9 मई रखी गई है और 10 मई तक आप लोग आपके फॉर्म को कॉलेज में जाके वेरीफाई कराएंगे। नेक्स्ट अपडेट गाइस, लेफ्ट आउट प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। आप लोगों के ये लॉ डिपार्टमेंट से जो भी कोर्सेज कराए जाते हैं जैसे कि BA LLB, LLB और LLM, इन सभी के एग्जाम हो चुके हैं, रिजल्ट भी अनाउंस हो चुका है। लेकिन यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके किसी रीज़न की वजह से प्रैक्टिकल छूट गए थे और वो स्टूडेंट आपके काल बाधित श्रेणी के नहीं हैं। तो ऐसे स्टूडेंट के यहाँ पर प्रैक्टिकल को कंप्लीट कराकर डिग्री को पूरा करने के लिए यूनिवर्सिटी ने प्रैक्टिकल की व्यवस्था की है। तो जो भी स्टूडेंट अपने प्रैक्टिकल कंप्लीट कर डिग्री लेना चाहते हैं, डिग्री कंप्लीट करना चाहते हैं, वो स्टूडेंट इन प्रैक्टिकल को दे सकते हैं। आपके प्रैक्टिकल NAS कॉलेज मेरठ में कराए जाएंगे और जो प्रैक्टिकल है, जो भी स्टूडेंट लेफ्ट आउट प्रैक्टिकल अपने कंप्लीट करना चाहता है उनको साथ में क्या लेकर जाना है, एक एप्लीकेशन आपको अपने कॉलेज से राइट कराकर ले जानी है, अटेस्ट वगैरह कराकर ले जानी है, अपने एडमिट कार्ड को ले जाना है और साथ में आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें लेकर आपको यूनिवर्सिटी जाना है और यूनिवर्सिटी में आपको इंडियन बैंक में 1500 रुपये अपने प्रैक्टिकल के जमा कराने हैं और फिर सारी स्लिप को आप लोगों को गोपनीय विभाग के खिड़की नंबर 40 में जमा करा देना है, इन सारे ही डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको 10 मई से पहले पहले करानी है। 10 मई तक आप करा देंगे तो वो कंसीडर कर लिया जाएगा और फिर आपका प्रैक्टिकल करा लिया जाएगा NAS कॉलेज मेरठ में। अगर आप 10 तारीख के बाद जाएंगे तो फिर वो आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा। और अगर बात कर लें प्रैक्टिकल डेट की कि प्रैक्टिकल किस डेट पे होगा, तो वो इस कॉलेज की वेबसाइट पर आप लोगों को बता दिया जाएगा, तो आप इस कॉलेज की वेबसाइट को बार बार चेक करते रहेंगे। अब नेक्स्ट अपडेट बीएड से रिलेटेड है। बीएड सेकंड ईयर के एग्जाम फॉर्म जारी हो चुके हैं और पहले से फिल कराए जा रहे हैं। इसके लिए यूनिवर्सिटी ने लास्ट डेट 30 अप्रैल रखी है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट का कहना है कि जो फॉर्म है वो ओपन नहीं हो रहा है, उसमें टेक्निकल इशू आ रहा है और आप लोग कमेंट करके मुझे ये चीज़ बताते हैं। तो देखिए, घबराइए मत, डरिए मत। अगर फॉर्म आपका 30 तारीख तक नहीं ओपन होगा या 30 तारीख से पहले ओपन भी हो गया, मतलब मान लीजिए 28 तारीख 29 तारीख में ओपन हो गया, तो फिर भी आपकी जो डेट है, लास्ट डेट है, वो एक्सटेंड की जाएंगी, क्योंकि एक या दो दिन में फॉर्म फिल नहीं हो सकते हैं सारे स्टूडेंट के। तो इसीलिए यूनिवर्सिटी फिर इसकी डेट एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि आप लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं कि फॉर्म ओपन नहीं हो रहा है, तो फिर डेफिनेटली यही है कि फॉर्म ओपन नहीं हो रहा है, टेक्निकल इशू है। तो ये यूनिवर्सिटी की तरफ से, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, तो यूनिवर्सिटी के द्वारा इसके लिए डेट एक्सटेंड की जाएगी, तो आप घबराइए मत, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या है। आप में से किसी का क्वेश्चन है कि बीएड सेकंड ईयर में एक पेपर छूट गया था तो इसके लिए बैक का फॉर्म डालें कि इम्प्रूवमेंट का फॉर्म डालें। तो देखिए, इसके लिए आपको बैक का फॉर्म डालना है, इम्प्रूवमेंट का नहीं डालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एग्ज़ाम फॉर्म ओपन नहीं हो रहे हैं, बहुत टेंशन हो रही है। तो मैंने आपको बता दिया है कि एग्ज़ाम फॉर्म अगर ओपन नहीं हो रहे हैं तो इसमें आपकी गलती नहीं है, आप टेंशन मत लें, एग्ज़ाम फॉर्म की फिर डेट एक्सटेंड की जाएगी, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रॉब्लम है, आपकी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीएड सेकंड ईयर में इम्प्रूवमेंट के फॉर्म कब फिल होंगे। तो देखिए गाइस, बीएड सेकंड ईयर में मेन, एक्स, बैक, इम्प्रूवमेंट सभी के अभी फॉर्म फिल कराए जा रहे हैं
तो जिनको भी बैक के पेपर के लिए फॉर्म फिल करना है या इम्प्रूवमेंट के लिए फॉर्म फिल करना है, वो आगे तक का वेट ना करें, अभी बीएड सेकंड ईयर के लिए फॉर्म फिल कर दें। तो गाइज यही कुछ आपके क्वेश्चन थे और सीसीएस यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट अपडेट थी। अब आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं कल, बाय, टेक केयर।